Hello everyone, today I'm going to discuss your next topic, the physical property of the halo alkane and halo alkenes. तो हेलो एल्केन की हम फिज़िकल प्रॉपर्टी देखते हैं. जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड हैं ये. ठीक है, कैसे लिक्विड हैं ये, कलरलेस लिक्विड हैं. और इनकी स्मेल देखें तो स्वीट स्मेल होती है. सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये स्लाइटली सॉल्युबल हैं. क्या रीज़न है कि इनकी सॉल्युबिलिटी का, कि स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं? रीज़न ये है कि जो हेलो एल्केन है, जैसे इनको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इतने प्रॉपरली जो डिजॉल्व नहीं होते, क्योंकि हेलो एल्केन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं, उसको तोड़ नहीं पाते हैं. जब तक ब्रेक करेगा नहीं बॉन्ड तो कैसे सॉल्युबल होंगे, है ना. जो न्यू बॉन्ड जो सेटअप करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं और ओल्ड बॉन्ड को ये तोड़ नहीं पाते. जो कि ओल्ड बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं देन द न्यू बॉन्ड. दिस इज़ द रीज़न कि स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं ये. और डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो है इनकी, जो सिंपल फ्लोरो क्लोरो एल्केन्स होते हैं, डेंसिटी जो है सिंपल क्लोरो फ्लोरो एल्केन जो है उनकी हायर होती है देन द वाटर से, वाइल द जो ब्रोमाइड एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव है उनकी हैवियर होती है वाटर से. तो जैसे एग्जांपल डेंसिटी जो है इनकी, जो ऐसे हेलोजन नंबर जो है इंक्रीज़ होता जाएगा तब भी उनके साथ भी इंक्रीज़ करती जाती है. जैसे Cl2 यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 2 क्लोरीन एटम, यहाँ पे CHCl3, यहाँ 3 कर दिए क्लोरीन एटम, यहाँ CCl4, यहाँ पे 4 कर दिए. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे हेलोजन का नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं. तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है हेलो एल्केन के वो हायर होते हैं देन द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड ड्यू टू द पोलर नेचर. हमें पता है कि हेलो एल्केन ओबियस हेलोजन है, यहाँ पे तो पोलैरिटी है, तो हेलोजन होने की वजह से ये है पोलर नेचर के होते हैं ये. ठीक है, तो कार्बन एटम, एक तो ये रीज़न है पोलैरिटी की वजह से जो है ये इंक्रीज़ होते जाएंगे. दूसरा जो इसमें कार्बन एटम जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा, कार्बन एटम जो है वो जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा उसकी वजह से भी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज़ होता जाएगा. बॉइलिंग पॉइंट जो है लीनियर चेन में ज़्यादा होता है, ये भी एक रीज़न है कि लीनियर चेन आपके पास होगी. जैसे CH3CH2Cl है, CH2CH2Cl, तो ये लीनियर चेन है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो ज़्यादा होगा. उससे कम जैसे ब्रांच चेन जो है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है तो सरफेस एरिया क्या होता जाता है आपका, डिक्रीज़ होता जाएगा. तो सरफेस एरिया जो है जैसे जैसे डिक्रीज़ होता जाएगा तो ब्रांचिंग जो है बढ़ती जाएगी तो सरफेस एरिया घटता जाएगा, तो उसके साथ क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी घटता जाएगा. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा लीनियर चेन में होगा, जैसे ब्रांचिंग होगी उसमें और कम होता जाएगा. और ज़्यादा अगर हम ब्रांचिंग कर दें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ Cl है, यहाँ CH3 है, तो यहाँ पे और ज़्यादा मैंने ब्रांचिंग कर दी, तो सबसे पहले ब्रांचिंग ज़्यादा जो है वो लीनियर चेन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होगा, उससे कम इसका होगा, उससे कम इसका होगा ना. तो इस तरह से जो है वो ब्रांचिंग जो है इंक्रीज़ होती जाएगी और सरफेस एरिया जो है वो आपका डिक्रीज़ होता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका इंक्रीज़ होता जाता है. पोलैरिटी की बात करें, डाइपोल मोमेंट की बात करें, तो जितने भी हेलो एल्केन के कंपाउंड्स हैं वो पोलर नेचर के होते हैं. पोलैरिटी की बात करें तो पोलैरिटी में जितने भी हेलो एल्केन के कंपाउंड्स हैं वो पोलर नेचर के होंगे. रीज़न क्या है पोलैरिटी का, वही रीज़न कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, हेलोजन प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस है पोलैरिटी रेंज जो है वहाँ पे अराइज होगी, डाइपोल मोमेंट जो है वो होगा यहाँ पे. ठीक है, तो जितने भी कंपाउंड्स हैं हेलो एल्केन के वो पोलर नेचर के होंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन नेचर. ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से हेलोजन की वो पोलैरिटी अराइज करते. तो हमें पता है कि पोलैरिटी क्या होती है, पोलर नेचर क्या होती है, पोलर एटम्स कौन से होते हैं, ये कौन से एटम है, जैसे N2 है ये नॉन पोलर है, पोलर कैसे हैं जैसे HCl है, HF है, ये आपके क्या हैं, ये पोलर हैं. क्यों पोलर है, क्योंकि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है. तो जहाँ पे चार्जेस हैं इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो वहाँ वो मॉलिक्यूल आपके पोलर होते हैं. टू डिफरेंट एटम के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, ड्यू टू दिस ये क्या है ज़्यादा पोलर है. यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं, यहाँ पे सेम एटम है, ड्यू टू दिस ये नॉन पोलर है. ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंस है इसमें बॉइलिंग पॉइंट. तो अब हम कुछ क्वेश्चन जो हैं हेलोरिन्स की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कुछ एक, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो आते हैं, और इन्हीं से रिलेटेड जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उनको हम देखेंगे. तो यहाँ पे हेलोरिन्स की प्रॉपर्टी हम देखें तो हेलोरिन्स जो हैं वो भी आपके कैसे होते हैं. हेलोरिन आपके जैसे हेलो एल्केन बोले हमने लिक्विड फॉर्म में है, कलरलेस लिक्विड हैं, तो ये आपके कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं. ये आपके कैसे हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं आपके. ठीक है, हैवियर होते हैं किससे, वाटर से. जो हेलोरिन्स हैं वो कैसे हैं, हैवियर हैं, किससे हैवियर हैं, वाटर से.
क्या जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर इनका देखें तो वो सिमिलर होगा, जैसे अल्काइल हैलाइड्स हैं उनसे ही सिमिलर है, उनके बराबर ही इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे इसमें, जो इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और जहाँ पे इनको देख के जो है वो आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से क्वेश्चनिंग होती है और कैसे आंसर आपने देने हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे हम वन बाई वन एक्सप्लेन करेंगे, जो डाइपल मोमेंट है, द डाइपल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द डाइपल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन is lower than that of cyclohexyl chloride। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि जो डाइपल मोमेंट है क्लोरोबेंजीन का, जो डाइपल मोमेंट है वो लोअर होता है देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो क्या रीज़न है, सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, क्लोरोबेंजीन क्या है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड क्या है। तो ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, सेकंड आपके पास है ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, तो इन दोनों में हमने अब देखना है, ये बोल रहे हैं कि जो इसका डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, वो लोअर है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से, क्या रीज़न है। तो पहले तो ये जो सी सी एल बॉन्ड आपका क्लोरोबेंजीन में है वो क्या है, इसमें क्लोरीन एटम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सी सी एल बॉन्ड जो इसमें है। ठीक है, क्लोरीन इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन द कार्बन से, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये कम है, तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ड्यू टू दिस इट कैरी द स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड इट कैरी द स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, जो सी सी एल बॉन्ड है यहाँ पे, उसमें क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ड्यू टू दिस ये पोलर नेचर का है, पोलैरिटी की वजह से यहाँ पे चार्जेस अराइज होते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इट कैरी द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, ऑन द कार्बन एटम। लेकिन जो डाइपोल मोमेंट है वो फिर भी क्लोरोबेंजीन का कम है साइक्लोहेक्साइल से, उसका क्या रीज़न है, दिस इज़ द रीज़न कि सी सी एल बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज लेस पोलर देन द सिमिलर बॉन्ड इन द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। जो सी सी एल बॉन्ड है ये कम पोलर है, लेस पोलर है ये देन द सी सी एल बॉन्ड इन द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, तो क्या रीज़न है इसका, मेनली ये टू रीजंस है यहाँ पे जिसकी वजह से ये लेस पोलर है। फर्स्ट रीज़न जो है आपका ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से, फर्स्ट रीज़न क्या है आपका कि क्यों पोलर है ये, लेस पोलर क्यों है, रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, तो ड्यू टू रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के एटम के ऊपर, वो डीलोकलाइज हो जाता है ओवर द बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग पे वो क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। तो उसमें हम देखते हैं स्ट्रक्चर बना के, वहाँ पे आपको लगेगा पता कि किस तरह से वो डीलोकलाइज होता है और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, किसको बोलते हैं। तो देखिए ये बेंजीन है मेरे पास, क्लोरोबेंजीन है, इसमें हमने रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस है वो हमने शो करनी है। तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ शिफ्ट कीजिए, खाली जगह है यहाँ पे, ये बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे आ सकता है ये। तो अब दो बॉन्ड तो इकट्ठे आ नहीं सकते, तो हमने क्या करना है, जो ये वाला बॉन्ड है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे ये आ पाएगा। तो ये आपकी होगी फर्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगी। अब ये बॉन्ड यहाँ पे आया, क्लोरीन एज इट इज़ ही रहेगी। ठीक है, अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ हमने शिफ्ट किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, बाकी बॉन्ड आपने एज इट इज़ ही लगाने हैं यहाँ पे। अब ये नेगेटिव चार्ज अपने क्या करना है, अगली जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे शिफ्ट कीजिए, और अगले वाला, अब दो बॉन्ड फिर इकट्ठे, अगर ये यहाँ आ गया तो ये अगला, तो फिर इकट्ठे हो जाएंगे, दो बॉन्ड कभी इकट्ठे हो नहीं सकते, अल्टरनेटिव पोजीशन पे होंगे, तो इसलिए नेक्स्ट पे इसको शिफ्ट कीजिए। ठीक है, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास आएगी फिर वो क्या बनेगी, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है इसने। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे क्लोरीन के पास कितने एटम रह जाएंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, अब ये बॉन्ड शिफ्ट हमने यहाँ किया, तो मीन्स यहाँ बॉन्ड आएगा, अगला बॉन्ड हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर।
यहाँ पे नेगेटिव आया और ये बॉन्ड एज इट इज़ ऐसे था। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड अगली इस खाली जगह पे चला जाएगा और ये वाला अगले कॉर्नर पे चला जाएगा। ठीक है, इसको आगे शिफ्ट कीजिए, ध्यान से देखना है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बस फोर चैप्टर हैं आपके ऑर्गेनिक, उनमें तीन या चार क्वेश्चन हैं अर्ली जो बोर्ड एग्ज़ाम में जिनमें ये स्ट्रक्चर्स बनती हैं और सब में सेम पैटर्न रहेगा, इसी तरह से आपने बनानी है उसमें। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, सॉरी ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट किया तो ये यहाँ आ गया, और ये अगला बॉन्ड हमने इस कॉर्नर पे तो इस कॉर्नर पे लेके जाइए। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ये ऑलरेडी और ये बॉन्ड यहाँ था। ठीक, अब इसको इस खाली जगह पे आगे बॉन्ड खाली है, यहाँ पे सिंगल है, डबल नहीं है, यहाँ शिफ्ट कीजिए। ठीक है, और ये वाला डबल बॉन्ड फिर से यहाँ पे, क्योंकि दो इकट्ठे हो जाएंगे, इसको आगे शिफ्ट कीजिए। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपकी बनेगी वो आपकी कैसे बनेगी, एक ये बॉन्ड ये ऑलरेडी यहाँ पे था इसको लगाइए और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्लोरीन एज इट इज़ जैसे पहले स्ट्रक्चर थी वैसे आपके पास फॉर्म हो जाती है। अब इन स्ट्रक्चर्स में देखिए, ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, यहाँ नेगेटिव, और ये यहाँ पे। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स में देखिए, अब ये आपके पास टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बने, 1 2 3 4 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर एंड फाइव। ठीक है, फाइव स्ट्रक्चर्स बनी, आउट ऑफ फाइव स्ट्रक्चर कितने स्ट्रक्चर्स पे आपके देख रहे हैं आप, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, देखिए इस पे पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव है यहाँ पे 1 2 3, आउट ऑफ फाइव स्ट्रक्चर्स थ्री स्ट्रक्चर कैरी द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसने, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। आउट ऑफ फाइव स्ट्रक्चर थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिड्यूस करता है किस चीज़ को, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन एटम, जो क्लोरीन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन एटम, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन एटम जो है उसको क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस कर रहा है ना, कम कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को घटा रहा है, पॉजिटिव को बढ़ा दिया इसने। ठीक है, रिड्यूस किया। अब देखो नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो मीन्स पोलैरिटी कम होगी, CCl बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा पोलैरिटी है, ये हमें पता, हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब हम बोल रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज जो क्लोरीन एटम के ऊपर था वो नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, वो पूरी रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, ये हमें दिख रहा है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव कम हो गया। अब अगर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हुआ है तो इट मीन पोलैरिटी भी कम होगी, तो CCl बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। क्लियर, CCl बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये रीज़न है यहाँ पे पोलैरिटी के कम होने का। ठीक है, कि पोलैरिटी कम तो फाइनली डाइपोल मोमेंट भी कम। ठीक है, पोलैरिटी कम हुई तो डाइपोल मोमेंट भी कम ही होगा। तो क्लियर हुआ कि डाइपोल मोमेंट जो क्लोरोबेंजीन का है वो कम होता है, क्यों, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से। तो ये रीज़न है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या लिखना है आपने, कि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनती हैं, जो क्लोरोबेंजीन है वहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, और यहाँ पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, और इस तरह से आपने ड्रॉ करनी है ये। और आउट ऑफ फाइव स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, थ्री स्ट्रक्चर्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है मीन्स क्लोरीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड को कम कर रहा है, घटा रहा है ये उसको। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन एटम इन CCl बॉन्ड इज डिक्रीज रिड्यूस। अगर वो चार्ज रिड्यूस हो रहा है तो वो चार्ज किसको रिड्यूस कर रहा है, वो पोलैरिटी को भी रिड्यूस कर रहा है। पोलैरिटी रिड्यूस हो रही है तो मीन्स डाइपोल मोमेंट भी रिड्यूस हो रहा है, वो भी कम हो रहा है। तो ये रीज़न है कि डाइपोल मोमेंट जो क्लोरोबेंजीन का है वो कम है देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। जो सेकेंड रीज़न है आपके पास वो क्या है, ड्यू टू द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड आप देख सकते हैं इसमें कि ड्यू टू द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जो डिफरेंट स्टेट्स है हाइब्रिडाइजेशन की, एक उसकी वजह से भी जो है ये
कम जो है वो इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो कम है, ठीक है। तो जो क्लोरोबेंजीन है उसके अंदर जो कार्बन एटम है, क्लोरोबेंजीन के अंदर जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है क्लोरोबेंजीन के अंदर, वो जो साइक्लोहेक्साइल के अंदर है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन के अंदर जो कार्बन एटम है वो कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और यहाँ पे जो कार्बन एटम है साइक्लोहेक्साइल में वो कौन सी है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। पहले तो आपने ये देखना है किस में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड किस में है, इसमें क्लोरोबेंजीन में, ठीक है। और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में कित कौन सी है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो है वो किसकी होगी, ज़्यादा होगी देन दैट ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो ये भी क्या करेगा, उसके मैग्नीट्यूड को कम कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी CCl बॉन्ड में मैग्नीट्यूड फिर से जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ CCl बॉन्ड जो है उसमें क्लोरीन एटम के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्लोरीन एटम के ऊपर, वो जो क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे भी क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन एटम डिक्रीज हो रहा है क्लोरोबेंजीन पे भी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और ये फिर डिक्रीज़ जो है वो क्या कर रहा है, ये भी पोलैरिटी को डिक्रीज़ कर रहा है, पोलैरिटी डिक्रीज़, तो वाई डिफ़ॉल्ट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा आपका, क्लियर। तो ये दो कंसेप्ट हैं इसमें हमारे, एक तो डिफरेंट स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का हो गया कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज़्यादा है। तो कम होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो मींस नेगेटिव चार्ज कम है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कम है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा मीन्स उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना कम होगा उतनी अट्रैक्शन कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से और यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से इसका जो है डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है और इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो कम होता है। तो इसलिए जो डाइपोल मोमेंट है वो क्लोरोबेंजीन का आपके पास क्या है, लोअर है देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो दो रीज़न आपने देने हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का और आपका ड्यू टू द डिफरेंट स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के आपने इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो पोलर होते हैं, वो हमें पता ही है। जो अल्काइल हैलाइड्स हैं आर पोलर इन नेचर, अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर। कैसे होते हैं अल्काइल हैलाइड्स, कहते हैं अल्काइल हैलाइड जो हैं वो आपके कैसे होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं, ठीक है। बट वो इमिसिबल विद वाटर है, बट वो वाटर के साथ कैसे हैं, इमिसिबल, बट इमिसिबल विद वाटर, पर वाटर के साथ वो कैसे हैं, इमिसिबल हैं, क्या रीज़न है इसका, ठीक है। तो मैंने सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट जो है आपको बताया था कि उसमें अल्काइल हैलाइड जो वो पोलर नेचर के हैं बट जो है वो इमिसिबल क्यों है, स्लाइटली सॉल्युबल क्यों है, क्या रीज़न था। तो वाटर के अंदर क्या बोलना है आपने, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कैसे बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो हाँ इसमें जो वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स है वो कैसे जो हेल्ड है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो डिस्पाइट द पोलैरिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, उसकी पोलैरिटी होने के बावजूद भी अल्काइल हैलाइड जो है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के साथ फॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कैसे फॉर्म है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये। तो जो अल्काइल हैलाइड्स हैं चाहे वो पोलर नेचर के हैं लेकिन वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो बॉन्ड नहीं बना सकते। जो अल्काइल हैलाइड्स हैं चाहे वो आपके पोलर नेचर के हैं, डिस्पाइट द पोलैरिटी दे कांट फॉर्म द बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल। तो अल्काइल हैलाइड कैन नॉट फॉर्म द न्यू बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल। अल्काइल हैलाइड जो है वो क्या कर पाते हैं, वो नया बॉन्ड नहीं बना पाते वाटर मॉलिक्यूल के साथ।
क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि इट कैन नॉट ब्रेक द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि अल्काइल हैलाइड जो वाटर मॉलिक्यूल में ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेक ही नहीं कर पाते हैं ये, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको अल्काइल हैलाइड ब्रेक नहीं कर पाते हैं, डू नॉट ब्रेक, वो क्या कर पाते हैं उसको ब्रेक ही नहीं कर पाते, तोड़ नहीं पाते हैं, तो तोड़ नहीं पाएंगे तो कैसे सोल्यूबल होंगे उसमें, है ना। और जो इसलिए अल्काइल हैलाइड जो हैं वो वाटर के अंदर इमिसिबल होते हैं, मीन्स नॉट सोल्यूबल होते हैं विद द वाटर, तो दैट्स द वाई जो अल्काइल हैलाइड आर पॉलर इन नेचर बट इमिसिबल विद वाटर। जस्ट क्या है इसमें एक ही बेसिक रीज़न यही बताना है आपने कि जो ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में वो अल्काइल हैलाइड उसको तोड़ नहीं पाते हैं, उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू दिस वो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते उसके साथ, ठीक है। और हमें पता है जो सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट है, जो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट है, मैंने आपको बोला है कि वो किस पे एक्सप्लेन करना है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर आपने एक्सप्लेन करना है। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट।